हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आरबीए की तरफ से अपडेट। आरबीआई ने यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली हुई है। 950 वैकेंसीज है, परमानेंट जॉब है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सो एंड तक वीडियो को जरूर से देखना है, यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या रहेगी, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसको समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ एक छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और शेयर जरूर करना आपके दोस्तों के साथ जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर से बताइए। हम डेली जो अपडेट्स डिस्कस करते हैं ना, वो खास करके सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ही होती है। सो भाई शेयर जरूर से कर देना, इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिटी वाइज दिया हुआ है, अलग अलग सिटीज़ में नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे अप्लाई कर दो आप यहाँ पे गलती कर बैठोगे, क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन्होंने रखा हुआ है। आपका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हो तो आपकी यहाँ पे सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। तो स्क्रीन पे आपको 950 वैकेंसीज का एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिख रहा होगा जिसमें अलग अलग सिटीज में यहाँ पे वैकेंसीज है। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 फरवरी 2022 यहाँ तक आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो गई होनी चाहिए। सो फाइनल ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन मिनिमम 50% मार्क्स इन्होंने बताया हुआ है। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग आपको आना चाहिए, बेसिक सा है जो कि बहुत सारों को आता ही होता है। कॉलेज के टाइम पे आपने ये सब चीज़ें की हुई है, सो ये मांगा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें मांगी हुई कि भाई अगर आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे पोस्ट रिक्रूटिंग ऑफिस पे अप्लाई करते हो तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और बोल सकते हो, तब भी आप अप्लाई करना। तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 20 से 28 ईयर्स की है। और बाकी जो यहाँ पे कास्ट के हिसाब से, जो कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए 20 से 28 ईयर्स यहाँ पे आपकी लिमिट रहेगी। आप अगर इसके ब्रैकेट में आ जाते हो अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। लेकिन एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, हमने वेल एकेडमी पे महा टेस्ट पैक को लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर हम 300 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम या कोई भी कंपनी की टेस्ट को ले लो, वहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट होते ही है। अगर हम इस आरबीआई के नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी ये टेस्ट होती है और ये आपको मैंडेटरी क्वालिफाई करनी होती है। इसको प्रिलिमिनरी एग्जाम में लिया जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। तो आपकी ये प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने महा टेस्ट पैक लॉन्च किया हुआ है जिसमें आपको 300 मॉक टेस्ट मिल जाएगी और हर एक सब्जेक्ट की 100 मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आप लाइव वेबसाइट पे जाके दे सकते हो, आपकी मर्जी हो तब और आपके हिसाब से, आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप जब चाहो तब वेबसाइट पे जाके टेस्ट दे सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे जो UI जो होता है जैसा एग्जाम में आप देखते हो वैसा ही सेम मिलेगा, साथ ही साथ आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आपका एक्यूरेसी क्या है, एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया है और फाइनली ये महा टेस्ट पैक लॉन्च कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ 249 में अवेलेबल है और इसके अंदर आपको अगर एक टेस्ट का अगर आप कैलकुलेट करो तो less than ₹1 आता है। और आपको ये टेस्ट की एक्सेस पूरे एक साल के लिए रहेगी, मतलब जो भी एग्जाम आती है आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये टॉपिक्स तो है, आप जाके टेस्ट देके आपकी जो प्रैक्टिस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जरूर से चेक कर लेना। यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में हमने इसको लॉन्च किया हुआ है, तो एनरोल करना मत भूलना। नाउ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम लेने वाले हैं पहले, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन। और मैंने आपको पहले ही बताया
इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में रहेंगे और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स रहेंगे। और इसकी जो पैटर्न है वो सेम आईबीपीएस जैसी ही है, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है सेक्शन वाइज टाइम मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मिनट्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 मिनट्स है, रीजनिंग के 20 मिनट्स है, मतलब सेपरेटली आपको 20-20 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, जिसमें अगेन रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज होगा। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, और इसमें भी सेपरेट हर एक टेस्ट का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका जो लेवल है वो आप समझ सकते हो थोड़ा अप हो जाएगा। सेम सब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेवल अप हो जाएगा, थोड़े क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे। सो मेंस की जो यहाँ पे एग्जाम है वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ली जाएगी, जो कि आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालिफाई कर लिया जाएगा। नाउ मेंस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर ली, उसके बाद आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको साबित करना होगा आपको लोकल लैंग्वेज आती है जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखना और अकॉर्डिंगली जिस लोकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको हमारा महा टेस्ट पैक बहुत हेल्प करेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल कर लेना। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो भाई लोकल लैंग्वेज कौन से लोकेशन के लिए कौन सी आनी चाहिए ये इन्होंने बता दिया है। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अप्लाई कैसे करना है, कहाँ जाके करना है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है 1/4 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक मार्क्स है तो आप गलत टिक करते हो तो 0.25 आपका एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं सैलरी क्या मिलेगी। तो यहाँ पे सैलरी जो है टोटल ग्रॉस एमोलमेंट्स मंथली एक असिस्टेंट के 45,000 रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी सैलरी है, एज अ फ्रेशर आपको काफ़ी बढ़िया मौका मिल रहा है, एज वेल एज आपको परमानेंट जॉब मिल रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया है अगर आपका सिलेक्शन होता है। 950 वैकेंसीज है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना। सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं। और ये जो एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा ये सारे जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम के लोकेशंस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ऑलमोस्ट सारे लोकेशंस है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नियरेस्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस, जी हाँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि अराउंड 450 या 500 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको जो है जनरल EWS OPC वालों को 450 रुपीज़ पे करने हैं, SC ST वालों को 50 रुपीज़ पे करने हैं। और ये एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 8 मार्च है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना है, मतलब कि RBI.org.in यही वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एज वेल एज उसी पेज पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ से मैं आपको पढ़ के सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसी पेज पे आपको अप्लाई करने की लिंक भी मिल जाएगी। सो आप डायरेक्टली जाके विजिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको महा टेस्ट पैक के बारे में बताया उसको चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। 249 में आपको 300 मॉक टेस्ट की एक्सेस मिल रही है एक साल तक, जिसमें आप जितनी भी एग्जाम्स जो भी आ रही है जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।